हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की डिमांड ये थी कि जो आईबीपीएस की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हैं इसके ऊपर कुछ बात की जाए और बताया जाए कि आईबीपीएस की ज्वाइनिंग में क्या क्या होता है, किस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो सारी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 मई को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया और सभी को प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है मिल गया होगा। ओके, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होती हैं ये दोस्तों बैंक टू बैंक के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, हर एक बैंक की अपने हिसाब से अलग अलग होती है। सो राइट नाउ अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है BOM, इसने अपने जो भी न्यूली रिक्रूटेड पर्सन है तो इनको ईमेल भेज दिया है। ओके, और ईमेल में जो ऑफर लेटर होता है वो साइन करके रिसीविंग लेने को बोला है। ओके, तो साथ में बाई पोस्ट भी भेजना है और दूसरी चीज जो है ईमेल के माध्यम से भी उनको भेजना है और बाद में आपके पास एक कंफर्मेशन रिप्लाई भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहां पर पूरी पूरी क्विज़ करूंगा कि आपके हर एक डाउट को क्लियर करूं कि बेसिकली कितना समय लगेगा और अदर बैंक का अभी नहीं आया तो उसमें कितना कितना टाइम लगने की संभावना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आया हुआ है लेकिन विद इन वन मंथ, एक मंथ के अंदर अंदर में। तो अभी आपका जैसे रिजल्ट आया हुआ है 20 मई को रिजल्ट आ गया, तो आप लगभग 20 जून तक वेट कर लो। 20 जून तक आपके पास मेल और बाकी फर्दर चीजों के लिए जो भी चीजें होंगी वो मेल के माध्यम से आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, अप टू वन मंथ का प्रोसेस नियर अबाउट दोस्तों लगता है, कहीं कहीं पर कम भी लग जाता है। तो इसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 22 मई को ही मेल कर दिया, तो और बैंक जो है वो धीरे धीरे प्रोसेस में है और आपको मेल करके बता देंगे। अभी मैं आपको वो मेल भी दिखा दूंगा कि मेल क्या आता है और किस तरीके से जो पूरा ऑफर लेटर होता है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं उसकी चर्चा हम अभी एंड में कर लेंगे। ओके, तो पहले आपको यहां पर दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि जो भी अलग अलग बैंक है इसके हिसाब से आपका प्रोसेस जो है वो होगा। ठीक है, तो पहले मेल वाला आपका डाउट क्लियर हो गया कि जो न्यूली रिक्रूटेड लोग होंगे इनका ऑफर लेटर साइन करके मेल में भेजना होगा, ये अभी आपके पास नहीं आया लेकिन आ जाएगा। दूसरी चीज जो है, एक आपके पास और मेल आएगा जिसमें डीवी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दे दी गई होगी कि किस डेट को आपका डीवी होगा, क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने होंगे, वेन्यू आपका क्या होगा, टाइम आपका डीवी का क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक चीज आप यहां पर ये ध्यान रखें कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है ये भी दोस्तों लगभग एक महीने के आसपास में, जिस डेट में रिजल्ट आता है उसके आसपास में कंडक्ट हो जाता है। तो इसके रिलेटेड भी आपका मेल आएगा और मेल के बाद लगभग आपको 10 दिनों का टाइम तो लगभग मिलेगा ही, कि जैसे आज मेल आया तो 10-12 दिनों के आसपास में आपकी डेट इस तरीके से आएगी, ताकि आप अगर कहीं आसपास के जो आरओ में जा रहे हैं अपना कराने जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आरओ ऑफिस के लिए आप अपना जो भी ट्रेवल वगैरह है उसके लिए आप अरेंजमेंट कर पाए। ओके, तो ये आपका एक डाउट हो गया। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि एलपीटी का क्या होगा। देखो एलपीटी में जैसे कि आपको बताया गया था कि जिस स्टेट के लिए आप अपीयर करने वाले हैं वहां की आपको जो स्टेट लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो दोस्तों पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एलपीटी में क्या है कि ऐसा होगा कि जैसे आपका डीबी के लिए बुलाया, ठीक है, तो उसके अगले दिन आपका एलपीटी कर लिया। एलपीटी दैट मींस कि बहुत एक छोटा ही प्रोसेस होगा, बहुत कुछ ज़्यादा खास नहीं है उसमें। तो आपको जो रीडिंग है, स्पीकिंग है, ठीक है, राइटिंग है, इन सब चीज़ों में से कुछ भी आपसे कराया जा सकता है। ठीक है, और अगर आपने 10th 12th में कर रखा है तो आपके लिए बड़ा इजली होगा, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होगी। आई होप आप एलपीटी के बारे में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट है मेडिकल फॉर्मेलिटीज। मेडिकल फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, ये कब कब कराई जाती हैं। तो जैसे आपको डीबी की डेट मिलेगी उसके एक आध दिन के इधर उधर में ही आपको मेडिकल के लिए भी बोल दिया जाएगा। ठीक है, देखो ये भी अलग अलग बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बैंक क्या करती हैं कि जैसे आपको मेडिकल के लिए एक सेट ऑफ लिस्ट दे देंगी और आप करा सकते हैं अपना। कुछ बैंक क्या करती हैं कि वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो अपना तरीके से ऑर्गेनाइज कराती हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स के लिए अपने एक्सपेंस पर भी मेडिकल कराने के लिए बैंक के द्वारा बोला जा सकता है, वरना बैंक अपनी ओर से भी आपको एक कोई हॉस्पिटल या समथिंग कुछ बताकर वहाँ पर आकर आप करा सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें सिंपली आपका जैसे ECG हो गया, ठीक है, आपका यूरिन एग्जामिनेशन हो गया, ओके, आपका एक्सरे हो गया, तो ये इस प्रकार के 4-5 टेस्ट होते हैं। ठीक है, और ये कराए जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल एज इट इज़ होते हैं। बाकी अब एक मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि भाई ये आपका जो ट्रेनिंग पीरियड वाला सीन है ये क्या होता है, ये ट्रेनिंग पीरियड कब होगी, कैसे होती है, कितने दिनों का टाइम होता है, इसके बारे में मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो ये बड़ा इंजॉयबल पीरियड होता है, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है इसमें सबसे ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं, क्योंकि आपको
बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। अभी मैं लास्ट 2 साल का अगर मैं बताऊं तो कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा था कि उनको नोएडा में ही जो अमेठी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अमेठी में बुलाया गया था ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पर फूड प्लस एकोमोडेशन दिया जाता है प्रॉपर आपको, और इंफ्रा बहुत ज़बरदस्त रहता है, इतना आप चिल करते हैं इस दिन पूछो मत। दैट मीन्स कि आपको सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर दी जाती हैं, ठीक है। अच्छा खाना, अच्छा रहने का एनवायरनमेंट, बहुत कुछ चीज़ें, ओके। तो इस दौरान आप क्या क्या चीज़ें सीखते हैं उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि जो मेन आप अगर कोई क्लेरिकल ज्वाइन करो या पीओ ज्वाइन करो तो जो मेन आपका लर्निंग प्रोसेस है वो आपका ब्रांच से ही स्टार्ट होता है, लेकिन ट्रेनिंग में फिर भी आपको ये पता होता है कि आपको क्या करना है आने वाले दिनों में जाकर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो प्रॉक्सी सिस्टम होते हैं, ठीक है, प्रॉक्सी सिस्टम का आपको एक्सेस दे दिया जाता है, और इसमें कमांड लर्निंग की बात की जाती है, ठीक है। मतलब जब आप ब्रांच में जाओगे तो आरटीजीएस के लिए क्या यूज़ करोगे, ठीक है, नेफ्ट के लिए क्या यूज़ करोगे, विड्रॉल फॉर्म है, ठीक है, और भी अलग अलग टाइप की जो कमांड है इनकी बेसिक लर्निंग आपको, इसकी हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल नॉलेज जो है वो आपको दे दी जाती है, ओके। तो ये मान के आप चलो कि एक तरीके से जो ये ट्रेनिंग पीरियड है बड़ा आसानी से बहुत आराम से निकल जाता है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं कि कोई बंदा बाहर हो गया हो, फेल हो जा रहा हो, आप आराम से इसको इंजॉय करके भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा डाउट सैलरी का, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे बहुत लोग ये पूछ रहे होंगे कि क्या ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं उनका ये वाला मिथ बहुत अच्छी तरीके से दूर कर दूंगा, और ट्रेनिंग के कितने दिनों में उनको ब्रांच में ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाएगा वो वाला जो पॉइंट है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप ट्रेनिंग पीरियड अपना कंप्लीट करोगे, ओके, ट्रेनिंग पीरियड कितने दिनों का होगा ये लगभग डिपेंड करेगा 12 से 15 दिनों के आसपास का ये होता है, ठीक है, क्लेरिकल कैडर में। तो इसमें ये है सीन कि जैसे आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, सपोज कर लो कि मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको ओरिजिनल डेट मत मान लेना, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि 10 जून को आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल आ जाती है कि 10 जून से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है और आपको एड्रेस दे दिया जाता है वहाँ पर आपको जाना है, ठीक है, तो उस जगह पर आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग अगर मैं मान के चलूँ कि 10 तारीख से स्टार्ट हुई और 25 तारीख को ट्रेनिंग आपकी खत्म हो गई, 15 दिनों का मैं ट्रेनिंग पीरियड सपोज कर ले रहा हूँ क्योंकि ये वेरी करता है 10-12-14 दिन का ऐसे ही होता है, ओके। तो 15 दिन अगर आपने ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपका अमाउंट बनेगा, ठीक है, वो आपकी जो एक को सैलरी आएगी उसमें ऐड होकर आएगा। और जैसे जिस डेट से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, 10 तारीख से अगर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो इसके बाद से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और ट्रेनिंग का कुछ सीन इस तरीके से बनता है कि जैसे आपकी ट्रेनिंग मंडे से स्टार्ट हुई, ठीक है, तो मंडे से अगले मंडे 7 दिन, फिर उसका जो सैटरडे वगैरह बीतेगा, मतलब हम ये मान सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपका मंडे स्टार्ट हुआ या ट्यूसडे स्टार्ट हुआ, तो आपकी जो 14 दिन की 12 दिनों की जो ट्रेनिंग है वो कुछ इस तरीके से ख़त्म होगी कि फ्राइडे या सैटरडे में आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद आपके पास क्या, फ्राइडे को ख़त्म हुई तो सैटरडे प्लस संडे 2 दिन का टाइम मिला, और मंडे से आई होप आपको ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। आप ये मान के चलें कि ट्रेनिंग के बाद आपको सांस लेने की भी जरूरत नहीं मिल पाएगी, फुर्सत नहीं मिलेगी, डायरेक्टली आपको ब्रांच विजिट करना होगा और ज्वाइन करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पीरियड है जिस डेट से आपकी फर्स्ट डे की ट्रेनिंग हुई थी उस डेट से लेकर, आप बीच में अगर 1-2 दिनों का गैप भी पड़ता है वो भी आपके काउंट होते हैं और सैलरी आपकी प्रॉपर मिलती है, ठीक है। तो मतलब ये मान के चलें कि अगर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई तो फिर आपकी सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरीके से लोग मैनेज करते हैं ताकि आपको बहुत हार्डली 2-3 दिनों का टाइम मैक्सिमम मिल गया तो मिल गया, वरना इमीडिएट ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के बाद में हो ही जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैनेजमेंट होगा कि आपकी या फ्राइडे या फिर सैटरडे को ट्रेनिंग खत्म होगी, आप सैटरडे संडे 2 दिन टाइम लेंगे और मंडे से आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, वो कुछ इस तरीके से आपका शेड्यूल डिसाइड करते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सैलरी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की मिलेगी, एक मैं फ्रेश वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिली और जो फर्स्ट मंथ है न्यूली ज्वाइन का क्लेरिकल और पीओ में उनको कितना कितना मिला, तो वो मैं आपको आगे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। एक चीज और है, अगर आप क्लेरिकल ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद में जीआईबी और सीआईबी का जो एग्जाम होता है उसका क्या प्रोसेस होता है उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो आप
पीओ प्रमोट होकर होते हैं वो कैसे बनते हैं, जो प्रमोटीज बनते हैं उसमें जेआईबी और सीआईबी का क्या भूमिका रहती है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, ट्रेनिंग, सैलरी और ज्वाइनिंग, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया होगा। अब एक और आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, मेल में क्या आएगा, कैसा क्या आएगा, तो पहले मैं आपको वो मेल बता देता हूँ। मेल में जो पीडीएफ आपको भेजी जाएगी, अभी एक स्टूडेंट है जिन्होंने अभी मुझे मेल करके बताया कि उनका क्या आया, तो मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप ये देख लें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ही मेल आया हुआ है जिसमें इन्होंने क्लेरिकल कैडर में बताया है कि जो पर्सन है इनको लिपिक में भर्ती के लिए जो है आईबीपीएस की जो परीक्षा थी उसके हिसाब से इनको अलॉटमेंट मिला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और किसी भी ब्रांच में इनको पोजीशन के हिसाब से शिफ्ट किया जा सकता है। तो वहाँ पर आपका रोल नंबर, एड्रेस, समथिंग ये सब लिखा होगा। इस लेटर को साइन करके आपको मेल करके भी भेजना, मेल भी करना होगा और प्लस बाय पोस्ट भी भेजना होगा। ये आपके पास आई होप आ जाएगा, ठीक है। कुछ दिनों का आप इंतज़ार रखें और अपना मेल प्रॉपर चेक करते रहें। और एक चीज़ ध्यान रखना, मेल के स्पैम वगैरह में भी चेक कर लेना, ऐसा ना हो, वरना आप ऑल मेल जीमेल अगर आप यूज़ करते होंगे तो ऑल मेल पर क्लिक करके आप सारे मेल का एक्सेस दोस्तों एक बार में ही ले सकते हैं, ओके। अब इसमें क्या है कि कुछ पॉइंट्स में सारे जो प्रोविजंस होते हैं बैंक के वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे होते हैं कि किस किस तरीके से आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट हैं वो सब बताने पड़ेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करा गया होता है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको पहला पॉइंट बता दूँ तो इसमें लिखा है लिपिक के पद के आपके आवेदन में आपके द्वारा प्रस्तुत जानकारी के संदर्भ में सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना तथा दस्तावेजों की वास्तविकता और सभी पात्रता मानदंडों के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन की त्रुटिहीनता का सत्यापन होना, ठीक है। मतलब जो आपको ओरिजिनल है वो वहाँ पर प्रेजेंट करने पड़ेंगे, स्वयं सत्यापित जो प्रतियाँ हैं उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा, बैंक द्वारा स्वीकार्य अर्थात पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पासपोर्ट, फोटोग्राफ के साथ मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण, मतदान इत्यादि, ठीक है। बैंक द्वारा स्वीकार पते का प्रमाण अर्थात आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदान, इसमें से कुछ भी हो आपका काम चल जाएगा। और 3 माह से कम अवधि का टेलीफोन बिल, संपत्ति, मकान का रसीद, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है मकान कर की रसीद, वो चीज़ें, ठीक है। तो आप इसको एक बार पॉज करके देख सकते हो, वैसे आपका मेल आ जाएगा, इतनी चिंता मत करो, ये भी आराम से निकल जाएगा। और इसमें जो है बॉन्ड के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी जाती है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे पॉइंट नंबर यहाँ पर 15 में आपको दे दी जाती है कि 12 महीने की अवधि तक सेवाकृत आपको करना होगा। लिखा है यू विल हैव टू सर्व द बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ एंड सबमिट सर्विस बॉन्ड फॉर 12 मंथ, ठीक है। क्लेरिकल में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये 12 महीने का सर्विस बॉन्ड देता है, ये भी बैंक टू बैंक वेरी करता है, अलग अलग बैंक है, इनके सर्विस बॉन्ड अलग तरीके के होते हैं, और 50,000 रुपये का डिपॉजिट जो इसमें होता है, ठीक है। सपोज करो किसी बंदे ने इसको ज्वाइन कर लिया, आगे उसका सिलेक्शन कहीं और हो गया, तो उसको इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बैंक को 50,000 रुपये जो है पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे काफ़ी लोग पे करते भी हैं जिनका हायर स्केल पर आगे हो जाता है कहीं पर सिलेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं, और भी कुछ आपको क्लॉजेज यहाँ पर डिफाइन करके बताए गए। तो पहले तो आप ये समझ लें कि ये एक तरीके का एक लेटर होगा जिसमें आपको साइन करके भेजना होगा, ठीक है, और इसमें आपकी पूरी जानकारी जो भी होगी वो आपके पास दे दी होगी कि कौन सी डेट है। वैसे तो जो इन्होंने भेजा था मेल, इन्होंने कहा था कि 1 जून तक आपको रिवर्ट बैक कर देना है हमें, ठीक है। अगर आप 1 जून के बाद करोगे तो किसी भी हालत में हम आपका ये स्वीकार नहीं करेंगे, और ऐसा माना जाएगा कि आप हमारी बैंक को ज्वाइन करने के में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये 2-3 बातें दोस्तों जो यहाँ पर इन्होंने अपने अपने क्लॉजेज में जो है मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा भी दे रहा हूँ कौन से पॉइंट में, हाँ ये लिखा है 21 नंबर पॉइंट में, ये लिखा हुआ है कि यू मे सेंड स्कैन कॉपी ऑफ ड्यूली साइंड एक्सेप्टेंस लेटर बाय ईमेल ऑन दिस ईमेल आईडी, ठीक है, इन एडिशन टू हार्ड कॉपी। फिर लिखा है कि कोई भी एक्सेप्टेंस जो अगर 1/6/2020 के बाद रिसीव्ड होगा तो विल नॉट बी वैलिड एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ रिजेक्शन ऑफ ऑफर एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आवर बैंक, ठीक है। तो जिनका भी है तो उन्होंने आई होप भेज ही दिया होगा, वैसे इतना कोई ढीला इंसान नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में आपको भी इसको देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज़ है, आपके मन में अभी भी कुछ सवाल आ रहे होंगे, मैं आपको बता दूं कि किस फॉर्मेट में आपको अपने क्वेश्चन भेजने हैं। सबसे पहले आप इसी वीडियो के नीचे अपने जो भी सवाल होंगे उनको पॉइंट बाय पॉइंट पे भेजना, ये नहीं कि 10 कमेंट कर रहे हो फिर मेरे पास से वो चीज़ मिस हो जाएगी, ओके। और आप वहाँ पर हैशटैग भी यूज़ कर लेना, आस्क ASK, ठीक है, आस्क IBPS, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे
फिल्टर करने में आसानी थोड़ी हो जाएगी। और कहीं पर भी आप सवाल पूछ रहे हो तो आप ये हैशटैग यूज़ कर लेना, और पॉइंट बाई पॉइंट आप अपने जो भी अभी के सवाल हैं वो आप पूछ लो, मैं उसके ऊपर एक क्लेरिफाई वीडियो बना दूंगा ताकि वो चीज़ें भी आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको काफ़ी कुछ एक ब्लू प्रिंट आइडिया मिल गया होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। तो भाई अभी इंजॉय करो अपना और टेंशन बिल्कुल मत लो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जो आपका ये ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है तो आप अपने घर से लेकर ट्रेनिंग पीरियड आप जा रहे हो, फिर ट्रेनिंग पीरियड से वापस आप आ रहे हो, बस की ट्रेवल कर रहे हो या फिर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, तो इसके लिए आप जो है अपना बिल लगा सकते हैं। और जो आपका ये टीए बिल होगा इसमें आपको क्लियरेंस बाद में मिल जाएगा, तो आप इसकी रसीद वगैरह भी संभाल कर रखें, इसका पैसा आपको बैंक बाद में पे कर देता है। ठीक है, और एक चीज़ और मान के चलो कि एक तरीके से मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड होता है ये दोस्तों आपको एहसास दिलाएगा कि यार आप बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हो और आपकी बहुत खातिरदारी बहुत सुविधाओं के साथ आपको रखा जाएगा और काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, मतलब बोलते नहीं कि स्टार्टिंग का जो प्रसाद होता है बड़ा टेस्टी होता है, तो वही प्रसाद आपको मिलने वाला है, बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद जो असली प्रेशर है वो ब्रांच में आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से, तो आप अपने सवाल जरूर पूछें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी जानकारी है वो मैं आपको रियल टाइम प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग हैं या फिर जो न्यूली रिक्रूटेड हैं उन्होंने ही ये सारी जानकारी दी है जो आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, अपना ध्यान रखें, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें और अपने भाई दोस्तों के पास भी इस आवाज को पहुंचाएं ताकि वो लोग भी लाभार्थी बन सके। थैंक यू।